press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जयपुर में एक्सिस बैंक की चेस्ट ब्रांच में डकैती को पुलिस कांस्टेबल की बहादुरी ने विफल कर दिया। इसके चलते 1,000 करोड़ की रकम बच गई। कहा जा रहा है कि यदि बदमाश अपने इरादे में कामयाब हो जाते तो यह देश की सबसे बड़ी डकैती होती। मंगलवार देर रात लुटेरों ने सी स्कीम में अशोक नगर स्थित रमेश मार्ग पर एक्सिस बैंक में लूट की कोशिश की। लुटेरे सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बनाकर बैंक लूट को अंजाम देने ही वाले थे कि तभी मौके पर पुलिस पहुंच गई। इसके बाद एक सिपाही ने फायर किया तो लुटेरे वहां से भाग खड़े हुए। रात करीब 2:30 बजे लगभग 12 बदमाश हथियारों से लैस होकर एक्सिस बैंक की चेस्ट ब्रांच पहुंचे। यहां वे खिड़की तोड़ने का प्रयास करने लगे। इनके हाथ में हथियार देख कांस्टेबल समझ गया और उसने तुरंत हवाई फायर कर दिया। फायर होते ही बदमाश मौके से भाग निकले। पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल ने बताया कि बैंक में 1,000 करोड़ रुपए थे। कांस्टेबल की सूझबूझ और बहादुरी से देश की सबसे बड़ी डकैती होने से बच गई। उन्होंने बताया कि कांस्टेबल सीताराम को गैलेंट्री अवार्ड दिए जाने की सिफारिश की जाएगी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वारदात में शामिल बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। फिलहाल पुलिस को आरोपियों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। बैंक लूट की इस वारदात की कोशिश के बाद जयपुर में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एक्सिस बैंक की ये ब्रांच प्रदेश के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया के आवास से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहां रात भर पुलिस की गश्त के बाद भी ऐसी वारदात सामने आई है।